हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम जो अपने किचन में जो खाना बनाते हैं थोड़ा बहुत जो बच जाते हैं उनको मिलाकर, और जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और हेल्दी भी होती है, क्योंकि उसमें जो भी वेजिटेबल होते हैं, दाल होते हैं, सब मिक्स रहता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। और ये रेसिपी बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, तो मेरे मेरे दोनों बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती है। सिर्फ हम ऊपर से एक दो चीज़ें ऐड करेंगे, बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उनसे ही बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। चलिए पहले आपको दिखाती हूँ मैं कि मैंने मतलब क्या चीज़ जो बची है जिसे मैं बनाने जा रही हूँ ये। तो चलिए पहले मैं दिखा दूँ आप लोगों को क्या क्या मैं इसमें डाल रही हूँ, मिला रही हूँ, मतलब क्या क्या मैंने मुझे मिलाकर ये बनाना है। तो ये मेरी सुबह की सब्जी है जो आलू बैंगन की है, ये बच गई है इतने से। और ये थोड़ा सा निमोना मैंने बनाया था वो बच गया है। आप इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो आपने बनाई हो, जैसे आलू गोभी, आलू पालक या आलू शिमला मिर्च हो, मतलब कोई भी सब्जी जो आपने बनाई हो वो बच गई हो तो उसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि ये दाल आप जो रोज़ रेगुलर आपके घर में दाल बनती है, जो रहर की या चने की जो भी आप दाल बनाते हैं उसको भी हम डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ अलग कुछ सब्जी वाली ही बनी हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप वो वाली दाल भी डालकर बना सकते हैं, कोई भी सब्जी उसमें आप ऐड कर सकते हैं, आलू पत्ता गोभी हो, कुछ भी वो भी। और इन दोनों चीज़ों के बाद जो भी बचा हुआ हो आपके पास, उसके बाद हम सिर्फ इसमें ये धनिया ऐड करेंगे और प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने दो प्याज यहाँ पर ली है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये बनाना है, क्योंकि हम तीन हैं ये बस, मैं और दो बच्चे, तो इसलिए बस इतना हमारे लिए बहुत है, इतने हमारा मतलब जो भी मैं पराठा बना रही हूँ मैं इतने में बन जाएगा हमारा। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिया हुआ है। और इसमें मैं हरी मिर्च नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मिर्च सब्जी में भी है और निमोना जो बनाया था मैंने उसमें भी है। और जो चटनी मैं बनाऊँगी धनिया और टमाटर की, तो मैं उसमें एक मिर्च डाल दूँगी, तो इसलिए मैंने इसमें मतलब जो मैं पराठा बनाऊँगी उसमें मिर्च नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि बच्चे फिर तीखा नहीं खाएँगे, क्योंकि ये भी तीखा ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद चटनी भी तीखी हो जाएगी, जिससे मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बनाना। तो पहले मैं यहाँ पर ये जो प्याज और धनिया पत्ती इन्हें काट लेती हूँ, और हमें इन्हें बारीक काटना है, जैसे स्क्वायर में जो इन्हें काट लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ मैंने ये आटा ले लिया है, और आटा में जितना हमें बनाना उस हिसाब से लेना हो, जितने आपके पास सब्जियाँ बची हों, जितना आपको मतलब बनाना हो खाने के जो आपके फैमिली मेंबर हों उस हिसाब से। तो ये हमने सब्जी डाल ली, और ये उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ये अजवाइन और थोड़ी सी बस ये मंग रेड, इतना ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इसमें ये प्याज और जो मैंने काट के रखे थे वो सारे, उसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे, और नमक हमारी सब्जियों में भी है इसलिए नमक थोड़ा सा ही मैं डालूंगी, क्योंकि दोनों जो भी निमोना और जो सब्जी थी उसमें नमक था ही दोनों में ही। बस इसके बाद हमें इसमें कोई और मसाले वगैरह नहीं ऐड करना, बस इन्हीं में हमको मिला कर ये, इसके साथ जो पानी भी इसमें नहीं डालना है। मैं सब्जियों में मतलब आटा उतना ही लेना है, जो भी हमारे पास सब्जी बची हुई है उसमें ही वो मतलब हम उसमें ही आटा लगा लें, ऐसा नहीं उसमें पानी फिर डाल के नहीं उसको करना है। ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है, और मैंने इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि मुझे थोड़ा सा मतलब सिर्फ एक मुट्ठी भर का आटा और लेना पड़ा था, क्योंकि थोड़ा सा गीला लग रहा था। खुद ही सब्जियां रहती हैं, प्याज रहता है जो पानी, तो फिर उसी में ही हो गया, मुझे अलग से पानी वानी करने नहीं डालना पड़ा। और उसके बाद सानने के बाद मैंने इसको ऊपर से सिर्फ एक चम्मच रिफाइंड से इसको मतलब ऊपर से मिला दिया है चिकनाहट के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ मैंने जो लोई ली है पराठे बनाने के लिए, वो मैंने ना तो बहुत ही छोटी सी ली है ना ही बहुत बड़ी ली है, क्योंकि हमें बिल्कुल पतली रोटी की तरह नहीं बनाने हैं। कोई भी पराठे हम जो सिंपल ही पराठे बनाते हैं वो भी रोटी की अपेक्षा तो थोड़े से वो मतलब मोटे ही रहते हैं, बस वैसे ही हमें इसको भी बेलना है, और इसको हल्के हाथ से ही बेलना है, ज़्यादा मतलब उससे नहीं, वरना ये फट जाएंगे, चिपकने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से पराठों को हल्का हल्का सेक लिया है,
और उसके बाद अब उसमें मैं तेल लगा दूँगी, रिफाइंड ऑयल ही लगा रही हूँ मैं, और फिर उसे दोनों तरफ से फिर अच्छे से हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लेंगे ताकि वो पराठा मतलब कच्चा ना रह जाए। और इसी तरीके से हमें जितने भी पराठे बनाने हैं हम सारे सेक लेंगे ऐसे ही। हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हो? रुको, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे मेरे मन पसंद पराठे बन रहे हैं, आप सब भी खा लीजिए। और ये खाना आया था भाभी के हाथ से, मतलब और भी था, अभी पूड़ियाँ और भी थी, पर ये प्लेट मैंने दोनों बच्चों ने लगा दी, दोनों एक ही में खा लेंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे दिखा रही थी। मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और बच्चों को मैंने दे दिया है, बच्चों ने एक एक ही लिया क्योंकि भाभी के यहाँ से खाना मतलब सबके भर का ही था, सिर्फ मैंने एक एक ही सेका है ये। तो फिर ये प्लेट मेरी है और बच्चों को मतलब बच्चे खा चुके हैं। और ये जो रेसिपी है अब घर में सबको पसंद आएगी, चाहे आपके छोटे बच्चे हों या फिर बड़े, मतलब सबको अच्छी लगती है। जैसे मेरे घर में तो मतलब मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आप जो बच्चे मतलब वेजिटेबल नहीं खाते हैं, आप इसमें जो भी वेजिटेबल को खिलाना है वो सबको आटे में लगा के आप उन्हें बना खिला दीजिए और बहुत ही अच्छे से खाते हैं, बहुत ही पसंद करके खाते हैं वो। कौन? एक मिनट जान रहा हूँ। और मैं क्या बोली थी, भूल गई। ये और ये जो रेसिपी है जो दोनों मतलब कल जो मैं मतलब आप लोगों से बात कर रही थी, मैं तो भाभी लोग आई थी खाना लेकर ना, तो ये जो रेसिपी है ये छोटी वाली भाभी की ही है, मेरे नहीं, उन्होंने मुझे बताया था इसे बनाना। और ये मुझे मतलब मुझे ही पसंद आया, बच्चों को पसंद आया। तो जब भी इस तरह से बच जाता है कुछ भी किचन में थोड़ा बहुत जो नहीं मन होता है खाने, तो मैं उसे आटे में लगा कर और फिर उसे पराठा बना देती हूँ और सब अच्छे से ही खा लेते हैं। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, सबको पसंद आया घर में, और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हूँ फिर किसी और ब्लॉग में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।